तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मान लेते हैं ये जो नंबर है वो एक से, नंबर क्या है मान लेते हैं नंबर इज द एक्स, ओरिजिनल नंबर है एक्स। नाउ अब क्या किया गया कि ये जो ओरिजिनल एक्स है इसका क्या किया है, पहले हम इसका तो 20% इंक्रीज किया है, उसके बाद क्या किया है 25% डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। देन जो डिफरेंस आया है वो आया है 36। तो मान लेते हैं एक्स का, पहले हम क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब 100 था एक्स का वैल्यू, उसको हम 120 कर दिए, 20% इंक्रीज कर दिया मतलब 120 हो जाएगा। तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे कितना, एक्स को फिर से हम क्या किया 25% जो हो गया वो डिक्रीज कर दिए। तो 25% हो गया तो मतलब डिक्रीज कर दिया गया तो 100 से 75 हो गया, ठीक है 75 हो गया। तो इसका जो डिफरेंस आया, अब इसको करने के बाद ये डिफरेंस जो आया वो दैट इज इक्वल टू 36। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन। नाउ इफ यू कैलकुलेट इट द आंसर इज वेरी इजी। सो दिस इज वेयर आई एम, वी आर गेटिंग दैट इज 6x/5 -3x/4 राइट। हम एलसीएम लेंगे इसका, अब तो 9x डिवाइडेड बाई 20, आप इजी है आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है जो जितना समझना था वो हम मैंने बोल दिया। तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 20/9, सो 9 9 4 34, सो x इक्वल टू 80, सो द ऑरिजिनल नंबर वॉज 80। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फ्रेंड।